हाँ मैडम, हाँ आ रहे हैं, बस निकल गए। भैया इतना टाइम कहाँ लग गया आपको? मैडम वो थोड़ा खाना खा रहे थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, अब चलो। मैडम आप थोड़ा इधर होके बैठ जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैम वो उस वाले टायर में थोड़ी हवा कम है, तो अगर आप इधर होके बैठ जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। पहुंच गए मैडम जी। अच्छा। कितने हो गए? मैडम जी बुरा ना माने तो आप पेटीएम कर देंगी? हाँ ठीक है, नंबर बोलिए। मैम 8810309699। हो गया। क्या बात है, आज तो बहुत ही मालदार पार्टी हाथ लगी है। खूबसूरती और पैसा दोनों मिला इस बार, तो लगता आज तो मेरे नसीब ही खुल गए। अब इस मैडम को इसके फ़ोटो सेंड करता हूँ और पैसा मांगता हूँ। हो गए, अब आएगा मज़ा। फोटोज हमारे पास आपकी और भी फोटोज हैं। अपनी इज्जत प्यारी है तो 10 लाख रुपए हमारे बताए एड्रेस पर ले आओ। ये फोटोज तो मेरी फोटोज हैं। हेलो हेलो मैडम, कौन हो तुम? अरे पहचाना नहीं? अरे हम बोल रहे रिक्शे वाले। देखो मैडम, हमारे नसीब में आप जैसी खूबसूरत लड़की तो है नहीं, तो आप ही हमारा नसीब खोलेंगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरी इज्जत का सवाल है। सुनो, ज़्यादा बकवास मत करो। एक एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ पे 10 लाख रुपए लेके आ जाओ और एकदम छोटे कपड़े हॉट सी बनकर आना। आई बात समझ में? आ गई मेरी सपनों की रानी। अब आएगा मजा। तुम पुलिस? हाँ, और मैं आईपीएस दुर्गा मिश्रा। क्या? लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, उनकी फोटोज खींचता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम जैसे लड़कों के चक्कर से ना लड़कियां अपने घर से बाहर निकलने डरती है। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से ना कई लड़कियाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड तक कर लेती हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती ना। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम ना इस पूरे देश में ना धीमक की तरह जो हमारे देश को ना अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हाँ तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक आईपीएस को ब्लैकमेल करके। प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। सर मैं आइंदा से दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी वो तो ना तू कोर्ट जाकर मांगी हो और फिर भी तुझे नहीं मिलेगी। अगर तुझे जेल के चक्कर नहीं खिलवाए ना तो मेरा नाम भी दुर्गा मिश्रा नहीं, समझदार। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर प्लीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का परफेक्ट मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय हिंद, थैंक यू।